आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थेल्स ऑफ माइलेट्स के बारे में। थेल्स का नाम मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने सुना होगा। अगर आपसे कोई ये कहे कि लकड़ी में भी जान होती है या चुंबक में भी जान होती है तो क्या आप मानेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा ही कुछ कहना है दुनिया के सबसे पुराने दार्शनिक थेल्स का। थेल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। अगर किसी का मैथमेटिक्स से थोड़ा भी नाता रहा है या गणित से थोड़ा भी रिश्ता रहा है तो उसने थेल्स को ज़रूर पढ़ा होगा और थेल्स थ्योरम के बारे में नाम सुना ही होगा थेल्स का। एक्चुअली थेल्स को जो है यूनान के सबसे ग्रेट दार्शनिकों में से एक माना गया है, और ये भी बहुत से लोगों का मानना है कि थेल्स ही यूनान के सबसे पहले दार्शनिक हैं। और थेल्स के बारे में ये भी बहुत से लोगों का मानना है कि थेल्स जो है वो पहले दुनिया के वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने चीज़ों को वैज्ञानिक तरीक़ों से सोचना और समझना स्टार्ट किया। सबसे पहली बात, गणित के क्षेत्र में थेल्स का बड़ा योगदान है। थेल्स अपने टाइम के बड़े फिलोसोफर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन भी रहे हैं, लेकिन मैथ्स में थेल्स का जो योगदान है वो वाकई बहुत सराहनीय है। और थेल्स का जन्म जो है यूनान के माइलेट शहर में हुआ था, जो कि लगभग 625 बीसी में हुआ है। 625 बीसी मतलब 625 ईसा पूर्व में हुआ है। ये इलाका जो माइलेट्स के नाम से जाना जाता था उस वक्त, आज टर्की के आइदिन प्रांत में पाया जाता है। और थेल्स जो है वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। थेल्स का मानना था कि एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ लाइफ, हर एक चीज़ जो है उसमें जीवन है, मतलब हर चीज़ उनके अंदर जीवन पाया जाता है। थेल्स की सबसे पहली जो धारणा थी, सबसे बड़ी धारणा वो ये थी कि थेल्स के अकॉर्डिंग हर चीज़ के अंदर जीवन पाया जाता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें जीवन ना होता हो। इवन जिन चीज़ों को आज के साइंस ने अबायोटिक कंपोनेंट मान लिया है, जैसे कि हम आज के साइंस में बायोटिक और अबायोटिक दो तरीके के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, और अबायोटिक कंपोनेंट्स वो जिनमें जीवन नहीं होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थेल्स अबायोटिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उनके मुताबिक हर चीज़ के अंदर जान होती थी। उन्होंने ये भी माना जैसे कि जो चुंबक के अंदर ये खिंचाव वाला जो गुण है, चुंबक जब एक दूसरे को खींचती है, यानी कि जो मैग्नेट होता है वो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करता है, वो इस कारण करता है क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा होती है, उसके अंदर सोल होती है। दूसरी बात, थेल्स का कहना था कि सभी चीज़ें जो है वो पानी से बनी हैं। मतलब थेल्स ने जो है वो पूरा एलिमेंट्री जो चीज़ मानी है वो पानी को माना है। पानी से ज़्यादा एलिमेंट्री कोई चीज़ है नहीं थेल्स के अकॉर्डिंग। क्यों? उनका कहना था कि दुनिया में जो जितनी भी चीज़ें बनी हैं ये या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। यानी तीन अवस्थाओं में पाई जाती हैं, या तो द्रवित अवस्था में पाई जाती हैं, तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, या तो आपकी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। और पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं कि वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। सॉलिड होकर के बर्फ़ बन जाता है, गैस होकर के भाप बन जाती है, और जब आपका लिक्विड फॉर्म में रहता तो पानी होता ही है। तो उन्होंने माना है कि हर चीज़ जो है उसका विकास जो है वो पानी से हुआ है, सब कुछ जो है वो पानी में ही निहित है। फिर तीसरी बात, थेल्स की कुछ बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो मैथमेटिक्स में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए थेल्स को ज्योमेट्री का जनक भी माना जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि थेल्स ने ही ज्योमेट्री की उत्पत्ति की है। ज्योमेट्री में कई सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जो थेल्स की थ्योरम्स के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है BPT का, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, और उसी को थेल्स थ्योरम के नाम से बच्चे जानते हैं। आज के टाइम में हाई स्कूल की किताबों में बहुत सी ज्योमेट्री की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो जो ज्योमेट्री की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनमें बहुत कुछ थेल्स का दिया हुआ है। थेल्स ने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें, तो उस ट्रायंगल की वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए, खींची जाए, तो वो बाकी की जो दो साइड्स होती हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरी बात, थेल्स ने बताई थी कि जो पहली बार यानी कि पिरामिड की जो हाइट को मेज़र करने का जो श्रेय जाता है वो भी थेल्स को जाता है। थेल्स ने एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था, और उन्होंने वही सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उस सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से और राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से पिरामिड की हाइट को जाना, और बड़ी बड़ी चीज़ों उस वक्त की जो चीज़ें थी उनकी हाइट को जानने का सबसे पहला फार्मूला उन्होंने ही निकाला। एक्चुअली उन्होंने दिमाग लगाया कि जिस समय जो है परछाई आपकी लंबाई के जस्ट बराबर हो जाती है, तो उस टाइम किसी भी चीज़ की, जो अर्थ पर खड़ी हुई किसी भी चीज़ की जब परछाई उसकी लंबाई के बराबर हो जाती है, तो जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी के बेस पर उन्होंने जो है वो हाइट ऑफ ट्रायंगल और हाइट ऑफ आपका पिरामिड्स और जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी हाइट्स को मेज़र करने का सबसे पहले तरीका खोज निकाला था।
दूसरी बात, उन्होंने कुछ और स्पेशल थ्योरम्स दिए हैं जिन थ्योरम्स को आज के टाइम में बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। पहली थ्योरम्स उनमें से है कि ऐसी तरह की है जैसे कि एक सर्कल को उसकी जो डायमीटर होती है वो बाइसेक्ट करती है, यानी जो डायमीटर होती है, जो व्यास होता है किसी भी सर्कल का, वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ये बात भी थेल्स ने बताई थी। दूसरी बात, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब किसी एक ट्राइंगल की जो दो साइड्स होती हैं अगर वो आपस में इक्वल हों तो उनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम्स भी थेल्स ने ही दी थी। नेक्स्ट, अपोजिट एंगल ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इक्वल, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये भी थेल्स का ही कहना था। और सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब एंगल इन सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, ये थ्योरम्स भी थेल्स की ही दी हुई है। यानी जब भी आप कोई सेमी सर्कल बनाएंगे तो उसके अंदर जो भी एंगल बनाया जाएगा डायमीटर से लेकर के और सर्कमफ्रेंस पर मिला करके किसी एक पॉइंट को डायमीटर के दोनों सिरों से जो एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि आज के टाइम में थेल्स की बताई हुई बहुत सी बातें जो हैं वो गलत प्रूफ हो चुकी हैं, क्योंकि आज की जो साइंस है वो बहुत सी चीज़ों को गलत मानने लगी है। लेकिन चीज़ों के बारे में सबसे पहले रेशनली या तार्किक रूप से ये कहें कि साइंटिफिकली, मतलब वैज्ञानिक रूप से सबसे पहली बार अगर किसी ने सोचना शुरू किया तो वो थेल्स ही थे। थेल्स का आज की मैथमेटिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये था आज थेल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को कहीं बहुत सी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे और भी ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।